Hello friends, welcome to Wi-Fi study, changing the way of learning. मैं सोहन आप लोगों के लिए Wi-Fi study की ओर से concept building series लेके आ रहा हूँ. इस series में हम कुछ contemporary issues को लेकर study करेंगे. ऐसे contemporary issues या subject जिनके बारे में हमारे पास past में बहुत सारी information है, लेकिन वो information किसी न किसी कारण से fragmented हैं. और हमारी कोशिश ये रहेगी कि उन सारी फ्रैगमेंटेड इन्फॉर्मेशन को हम एक साथ एक वीडियो में लेके आएंगे. इस वीडियो को सुनने के बाद आपको उस सब्जेक्ट के बारे में या उस इशू के बारे में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ताकि आप फ्यूचर में आने वाले किसी भी नए इशू जो इससे रिलेटेड होंगे उसको आप आसानी से समझ पाएंगे, और पास्ट में किसी भी इशू को जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा है उसको आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे. So let's start with our new concept building series. The first topic or subject we have selected is RCEP. This first slide जो है इसमें आपको एक summary दिख जाएगी पूरी RCEP, एक agreement में क्या क्या है, इसको क्या कहते हैं, कौन सी countries इसके part हैं. So let's start with the first slide. इसमें you can see इस pact का नाम है RCEP, which is an acronym of Regional Comprehensive Economic Partnership. So Regional Comprehensive Economic Partnership is the name. There are in total 16 member countries. These 16 member countries include 10 ASEAN member countries, जो आपको यहाँ नाम दिख जाएंगे 10 ASEAN member countries के नाम, और 6 ऐसे countries जिनके साथ ASEAN countries के अपने free trade agreements हैं उनके नाम, ये सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे. आरसीईपी बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है एक रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने का, एक फ्री ट्रेड एरिया बनाने का. इस फ्री ट्रेड एरिया का अपना इकोनॉमिक लिंकेज होगा, इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगी मेंबर कंट्रीज की, उनके यहाँ ट्रेड टैरिफ कम हो जाएंगे, जो बैरियर्स हैं वो कम हो जाएंगे, बिजनेस ज़्यादा होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगी, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा. So let's move ahead. We'll explain you each and everything in the slides ahead. हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में? What is the need? RCEP as a concept was incepted सबसे पहले in the year 2012, जब member countries ने decide किया था कि वो ऐसा group बनाएंगे, और इसकी कल्पना की गई थी उस वक्त कि 2012 तक हमने जब जो चीज़ को शुरू किया है उसको 2017 दिसंबर तक यानी एंड तक उसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा और एक एग्रीमेंट बन के तैयार हो जाएगा, जो कि हम आज देख पा रहे हैं कि वी आर ऑलरेडी इन 2017 एंड वी आर नो वेयर क्लोज टू इट्स फाइनलाइज्ड फॉर्मेट और फॉर्म. जो दूसरी चीज़ है जिसके लिए दिस आरसीईपी हैज़ टू बी स्टडीड बाय अस एंड वी शुड नो अबाउट इट, वो यह है कि सर्विसेज को लेके जो नेगोशिएशन हो रही हैं इसमें दे आर वेरी स्लो. सर्विस लिबरलाइजेशन के लिए को एज ए सब्जेक्ट जो बहुत सारी कंट्रीज इसकी हैं दे आर नॉट लेटिंग इट मूव अहेड फ्रीली, उसमें कुछ ना कुछ उनके रेस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं, अपनी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हैं जो सब चाहती हैं, हर कंट्रीज चाहती हैं कि उसको एड्रेस किया जाए, और इस कारण से इसको आगे बढ़ाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और ये काफ़ी स्लो चल रहा है, जिस कारण से हम शायद फाइनलाइजेशन के भी किसी छोर पर नहीं पहुँच पाए हैं. आरसीईपी एक मेगा रीजनल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है. इसमें फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में होने वाले जो जो बेनिफिट हैं वो सब होंगे, जैसा कि लैंड, लेबर, कैपिटल मूवमेंट और इन्वेस्टमेंट मूवमेंट, मेनी अदर थिंग्स. सो इन दिस फर्स्ट स्लाइड व्हिच इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ आसियान कंट्रीज which is China, Japan, India, South Korea, Australia and New Zealand. Formally launched in the year 2012 in the month of November. The negotiations formally started in the year 2013. It is seen as an alternative to TPP. ये Trans-Pacific Partnership जो कि एक US-backed एक partnership agreement है, उसके against में इसको देखा जा रहा है, इसकी टक्कर का इसको देखा जा रहा है. यूएस बैक्ड जो ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इसमें इन टोटल 12 मेंबर्स हैं,
और इस 12 मेंबर्स में जो मोस्ट मोस्ट डिस्टिंक्ट बात है कि इसमें चाइना और इंडिया इसके पार्ट नहीं हैं, जो कि एक मेजर इकोनॉमिक ब्लॉक है। सो इसके ना होने के कारण से जो अब हम आरसीईपी के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसा ये भी माना जाता है कि आरसीईपी इज़ बैक्ड बाय चाइना, सो इट इज़ सीन एज ए काउंटर टू टीपीपी इन दैट सेंस एज वेल। वेल वी नीड टू नाउ नो, हमें देखना है कि इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, विच इज़ वेरी इजी टू नो एंड लर्न। पहला ऑब्जेक्टिव है इसके ओपन अप ट्रेड बैरियर और गुड्स एंड सर्विसेज में जो ट्रेड हो वो आसानी से हो पाए। सो द प्लस द फर्स्ट पॉइंट इज क्वाइट सिंपली मेंशनिंग द फैक्ट लिबरलाइजेशन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे, यानी कैपिटल में जो कैपिटल को लेके जो हमारे यहाँ पर लिबरलाइजेशन होना चाहिए, इट इंडिकेट्स दैट मेंबर कंट्रीज शुड एलिमिनेट इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन मेनी प्रोडक्ट्स। ये भी एक तरह का कैपिटल लिबरलाइजेशन का ही पार्ट है। जब हम कहीं बिजनेस करते हैं और खासकर जब हम अपनी कंट्री के प्रोडक्ट किसी और कंट्री में बेच रहे होते हैं, तो अगर हमें उस कंट्री जिस जहां पर हम बेच रहे हैं यानी डेस्टिनेशन कंट्री की तरफ से हमारे प्रोडक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए जाएँ, तो हमारा प्रोडक्ट उस कंट्री में कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएगा। सो ये इसका एक पार्ट है, एक ऑब्जेक्टिव है कि हम एक दूसरे की कंट्री जो मेंबर कंट्रीज होंगी, जो 16 मेंबर कंट्रीज होंगी, ये 16 मेंबर कंट्रीज आपस में जब ट्रेड करेंगी तो एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरह का इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगी। तो दिस इज वन ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं होना है। एक आशियान लेड प्रोसेस है क्योंकि 10 आशियान कंट्रीज दे आर एट द सेंटर ऑफ दिस डिस्कशन। सो एंड ऑल्सो दिस फॉर्मैट इज आशियान प्लस वन फॉर्मैट, उसी फॉर्मैट में ये अग्रीमेंट बनाया जा रहा है। सो इट इज़ एन आशियान लेड प्रोसेस। इसका मूलतः जो इसमें प्रोसेस था या फिर जो इसका उद्देश्य था वो ये था कि इसमें एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होना है, इसमें एक दूसरे को हम सपोर्ट करेंगे इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। दिस इज़ वेरी ब्रॉड बेस्ड टर्म, इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि हर किसी के पास अवेलेबल हो, ईजिली एक्सेसिबल हो, हर किसी को ये मिले, उसके बेनिफिट्स मिले और लोग एक साथ और लोगों के पास समान अधिकार, समान अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो ये प्रोसेस को इन्विगोरेट करना है, इस प्रोसेस को नीचे से सपोर्ट करके इसको ऊपर की तरफ ले आना है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ इगैलिटेरियन और मे बी अ गुड प्रोसेस, अ गुड ऑब्जेक्टिव ऑफ आरसीईपी। इस आरसीईपी के बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं, इसका ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है? अगर ये बन जाता है आज के दिन में, तो ये हमारी ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल जीडीपी में इसका क्या इम्पैक्ट है या इसका क्या असर है? सो एक रफली मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ इसका, कि यू कैन सी ये फर्स्ट लेग में भी ये इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन इट वॉज मोर एक्यूरेट देयर। यहाँ पर एक जस्ट टू रिमेंबर आपको मैं एक नंबर्स फॉरवर्ड कर रहा हूँ। 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है ये, एंड 30% ऑफ ग्लोबल ट्रेड है, जो कि पहले पे पेज में आपको ये 29% दिखाई देगा और यहाँ पर ये 40 की जगह 38% दिखाई देगा, विच इज़ मोर एक्यूरेट फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन यू कैन सी। तो ये वर्ल्ड जीडीपी का 40% है और इन टर्म्स ऑफ पीपीपी विच इज परचेजिंग पावर पैरिटी के अंतर्गत में, इन नॉमिनल टर्म्स इट कॉन्स्टिट्यूट्स 21 ट्रिलियन अप्रॉक्सीमेटली। 30% ऑफ ग्लोबल ट्रेड है इसका हिस्सा। इन टोटल यू कैन ऑल्सो यू वुड ऑल्सो बी एक्साइटेड टू नो दैट इसके अंतर्गत जितनी पॉपुलेशन है, विच इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन। तो आरसीपी के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 3.4 बिलियन। इसकी ऑब्जेक्टिव्स में जो पॉइंट्स हमने पिछले पेज में पढ़े हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस। ये अगर आती है तो ऑब्वियसली ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क जो होगा वो और ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड होगा, यानी जो प्रोडक्ट अगर आज चाइना में बन रहा है उसके कुछ फैक्ट्रीज इंडिया में अगर बने, उससे कुछ फैक्ट्रीज वियतनाम में बने, तो इससे क्या होगा, जो ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क की एक चेन बनेगी, इस चेन से होने वाले बेनिफिट्स का असर हर एक कंट्रीज में इक्वली होगा। वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और हर कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पूरा फायदा होगा, मिल पाएगा। और इससे क्या होगा कि हर कंट्री वो प्रोडक्ट को बनाएगी जिसमें वो ज़्यादा एफिशिएंट है बनाने में। अगर चाइना में बैटरीज अच्छी बनती हैं, टेक्नोलॉजी वहाँ पर वो बनाने की अच्छी है, तो इससे क्या होगा कि हम अननेसेसरीली जस्ट बिकॉज वहाँ पर लेबर चार्जेस कम है या फिर कुछ और फैक्टर्स
ज़्यादा फेवरेबल हैं, तो हम वो चीज़ वहाँ नहीं बनाएंगे जो वहाँ पर बनाने के योग्य नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ प्रोडक्ट्स, उस प्रोडक्ट के कुछ पार्ट को हम किसी और कंट्री में ले जाएंगे, जिससे क्या होगा, एक इनएफिशियंसी जो होंगी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो कम हो जाएंगी। एक ग्लोबल वैल्यू चेन बनेगा, जिससे वर्ल्ड में इकोनॉमिक लिंकेजेस क्रिएट हो जाएंगे, इंटीग्रेशन होगा आपस में, बिजनेस और ज़्यादा आसान हो जाएगा, एफिशिएंसीज कमेंगी, कार्बन फुटप्रिंट कमेगा, और इससे क्या होगा कि हमारे वातावरण में जो कार्बन रिलीज हो रहा है कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। सो ओवरऑल हमें एक इकोनॉमिक इकोलॉजिकल बेनिफिट भी होगा, और इससे ऑब्वियसली जो उसके साइड बेनिफिट्स हैं वो तो हैं ही, इसमें जॉब बढ़ेगी, हमारी एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जीडीपी ज़्यादा आएगी, सोशल सर्विसेज गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएगी। दीज आर ऑल साइड बेनिफिट्स ऑफ दिस ट्रेड लिंकेज। सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने की है कि इस ट्रेड ब्लॉक में वर्ल्ड की, या फिर एशिया की तो बिल्कुल ही, लेकिन वर्ल्ड की भी, दीज आर अमॉन्ग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, चाइना, जापान एंड इंडिया, दीज आर वन अमॉन्ग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। These are modeled, like I told you in the last page, it was based on ASEAN plus one format, centered around ASEAN group. The objectives has been already made available to you. Now, we are going to come across the new topic, new page of it, which is, what does it cover? So it covers, easily it is understandable, it covers trade liberalization effort on goods and widens it to services. ये ट्रेड लिबरलाइज करेगा, गुड्स में जो ट्रेड होंगे पहले शुरुआत करेगा गुड्स के ट्रेड से, और धीरे धीरे जब वो लिबरलाइजेशन पूरा हो जाएगा तो सेम लिबरलाइजेशन प्रोसेस को वो सर्विसेज के अंदर, उसमें सर्विसेज को भी लेके आया जाएगा, हायर ऑर्डर ऑफ लिबरलाइजेशन। ये पॉइंट एक अंडरस्टैंड करने की है, ये समझने की बात है, हायर ऑर्डर ऑफ लिबरलाइजेशन। सबसे पहले लिबरलाइजेशन अगर होता भी है तो किस चीज़ का होता है, पहले कैपिटल का होता है, पैसा जो होता है हम एक दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर पाते हैं, उसके बाद आइडियाज़ आते हैं, उसके बाद हमारे पास जो आइडियाज़ हैं, दीज आर बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद माइग्रेशन, जो लेबर होता है, लेबर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा पाएगा। सो दीज आर लाइक ऑर्डर्स ऑफ लिबरलाइजेशन। सो ये हायर ऑर्डर ऑफ लिबरलाइजेशन, इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आती है, सो दीज आर ऑल, जैसे जैसे दो कंट्रीज़ में या एक ब्लॉक में जितने सारे बैरियर्स कम होते जाते हैं तो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन बढ़ता जाता है, तो उसी तरह से लेवल ऑफ लिबरलाइजेशन भी एक दूसरे में बढ़ता जाता है। सो हायर लेवल ऑफ लिबरलाइजेशन कि हम एक दूसरे के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भी सेफगार्ड करेंगे, हम एक दूसरे के ई कॉमर्स में भी वी विल हेल्प एंड सपोर्ट इट। हम कोशिश करेंगे कोई भी कंट्री पीछे ना हो जाए, किसी भी कंट्री को लिमिटेशंस ऐसी ना हो कि वो इसका बेनिफिट ना उठा पाए। सो और थर्ड पॉइंट था कि हम इसमें किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट और डिस्प्यूट सेटलमेंट को पूरी वर्ल्ड, जो वर्ल्ड लेवल पे जिस तरह की हम पॉलिसीज फॉर्मेट फॉलो करते हैं उसी हिसाब से इसको भी ट्रीट करेंगे, और किसी भी कंट्री को किसी भी डिस्प्यूट सेटलमेंट पूरा जस्टिस मिलना चाहिए या मिलेगा। इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए? इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि जोग्राफिकली इट इज़ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। अब साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में इसकी एक कनेक्टिविटी है म्यांमार के थ्रू। तो म्यांमार के थ्रू ये लुक ईस्ट पॉलिसी अभी तक कर रहा था, उस लुक ईस्ट पॉलिसी को बदल के अब गवर्नमेंट में, हमारी मोदी सरकार ने या फिर पीएम मोदी जी ने इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया है। दिस इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ, न्यू असर्टिव फॉर्म ऑफ इंडियाज पॉलिसी टूवर्ड्स इट्स ईस्टर्न नेबर। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया गया है मई 2015 के बाद से। इसमें इसको काफ़ी हेल्प मिलेगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद स्ट्रेट द कंट्रीज हु आर लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। इसको एक फिलिप मिलेगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी को। इन टोटल द इंडियन ट्रेड हैज ओनली ग्रोन विद द आरसीईपी ग्रुप। दिस पॉइंट इज टू बी अंडरस्टूड। हमारी कंट्री का जो हाल के समय में जो ट्रेड मिक्स देखा गया है, जो इकोनॉमी फ्रंट पे देखा गया है कि हम किस कंट्री के साथ ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, कहाँ से कम हो रहा है, किस कंट्री या ब्लॉक के साथ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये पाया गया है कि हमारी आरसीईपी ग्रुप जो है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ हमारा हाल फिलहाल में जो ग्रुप, उस ग्रुप के साथ या उस ब्लॉक के साथ हमारी जो इंटीग्रेशन इकोनॉमिक है या फिर उनके साथ ट्रेड जो है वो बढ़ी है। सो बेसिकली ये दो जगह बढ़ी है, एक अफ्रीका में और एक साउथ ईस्ट एशिया में। दिस वॉज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ लास्ट ईयर। सो हमारी ट्रेड उनके साथ बढ़ रही है, तो ओवरऑल अगर हमारा ट्रेड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बीइंग पार्ट ऑफ आरसीईपी हमें फ़ायदा होगा उससे। ये हमारे आपस में जो ओवरलैपिंग अग्रीमेंट्स हैं उसको एड्रेस कर पाएगा। हमारे जापान के साथ कुछ अग्रीमेंट्स हैं, हमारे चाइना के साथ कुछ अग्रीमेंट्स हैं, हमारे रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ कुछ अग्रीमेंट्स हैं, तो उन अग्रीमेंट्स में कुछ अग्रीमेंट्स होंगे, कुछ पॉलिसीज होंगी जो ओवरलैपिंग होंगी, तो उनको एड्रेस करके इनएफिशियंसीज को रूट आउट करेगा।
प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेगा, ट्रेड कॉस्ट को कम करेगा, इससे जो बेनिफिट होता है हम जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड वर्ल्ड फैक्ट्री कॉन्सेप्ट क्या है, ग्लोबल वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट क्या है जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया है, इसको बूस्ट करेगा ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इससे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फायदा होने वाला है इस RCEP का पार्ट बनने के बाद कि इंडिया एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेगा फॉर चाइना। वी मस्ट रिमेंबर चाइना एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर है। चाइना के पास में आज के समय में थ्री ट्रिलियन कैश रिजर्व है उसकी कंट्री में। थ्री ट्रिलियन कैश रिजर्व उसकी कंट्री के पास है, दैट मीन्स इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3000 बिलियन, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। आज के समय में इंडियन चाइनीज कंपनीज जो हैं दे आर ट्राइंग टू फाइंड न्यू एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट, तो इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सकता है। आज हमें ज़रूरत है कैपिटल की बाहर से, हमें ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की बाहर से, ताकि हमारे यहाँ पर फैक्ट्रीज बने और वो फैक्ट्रीज़ में हमारे यहाँ जॉब लगेंगी, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, विल बी मोर एडुकेटेड, विल बी मोर कॉम्पिटेटिव, विल बी मोर एफिशिएंट इन मेनी टर्म्स। सो वी नीड इन्वेस्टमेंट एंड चाइना इज़ वन गुड इन्वेस्टमेंट पार्टनर, प्रोवाइडेड हम अपनी पॉलिसीज को चेंज ना करें फॉर चाइना। वी विल मेक इट म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर चाइना टू कम एंड इन्वेस्ट इन आर कंट्री। ऑब्वियसली एक ग्रुप है, इसमें कुछ चैलेंजेस भी जरूर होंगे, तो चैलेंजेस बहुत क्लियर हैं एंड दे आर क्वाइट सेल्फ एविडेंट। सी, कोई भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है उसको समझने की जरूरत होती क्या है। यहाँ पर देखिए, हमारी इस ग्रुप में 16 कंट्रीज हैं, देर आर 16 कंट्रीज इन टोटल। इस 16 कंट्रीज में 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज हैं, और वो देखिए ये 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज दे आर नॉट ओनली फास्टेस्ट, दे आर बिग ऑल्सो, दे आर बिग कंट्रीज। चाइना, इंडिया एंड जापान, दे आर बिग कंट्रीज एज वेल। सो दीज बिग कंट्रीज बेसिकली विल नेगोशिएट विद स्मॉलर कंट्रीज। सो ये डिस्पैरिटी जो है बिग कंट्रीज और स्मॉलर कंट्रीज के बीच में, ये बहुत ज़्यादा है। सो इट विल हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड जो छोटी कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज दे विल बी नेगेटिवली अफेक्टेड, उनको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। चाइना, इंडिया, जो सेकंड पॉइंट बताता है, चाइना, इंडिया और जापान, ये इसमें चाइना इज़ एन आउटलायर इन टर्म्स ऑफ डिस्प्यूट। इंडिया और जापान एक दूसरे के साथ काफ़ी हद तक दे आर फ्रेंडली कंट्रीज, बट चाइना इन द पास्ट सम ईयर्स has proved itself as a country which has interest in mutual in antagonism to India and Japan. तो चाइना का जो इंटरेस्ट है ऑब्वियसली इंडिया को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है नेगेटिवली, और जापान को भी करता है। कुछ डिस्प्यूट्स हैं बाउंड्री को लेके, कुछ इंटरनेशनल फोरम में हमारे डिस्प्यूट रहते हैं, इंडिया के जो इंटरनेशनल एम्बिशंस हैं, जैसे कि वो पार्ट बनना चाहता है NSG का, जैसे कि वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उसको इंडिया हाईलाइट करना चाहता है चाइना, जबकि बार बार इन ऑर्डर टू हेल्प इट्स एलाई पाकिस्तान वो उसको नेगोशिएट कर रहा है, उसको बार बार नेगेट करता है। सो दीज आर ऑल फैक्ट्स यू नो विच मेक्स चाइना एंटागोनिस्टिक टू इंडियाज इंटरेस्ट। जापान के साथ इस सेम आइलैंड का एक इशू है, सेनकाकू आइलैंड है जो कि चाइना और जापान के बीच में एक डिस्प्यूट का कारण बन रखा है। देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन्वॉल्व। देखिए, थर्ड पॉइंट बताता है कि जब आप बहुत सारे कंट्रीज के साथ एक ट्रेड डील या ट्रेड पैक्ट कर रहे होते हैं, सो ऑब्वियसली हर किसी के इंटरेस्ट को आपको ध्यान रखना है, एंड विच इज़ डिफिकल्ट। इस केस में एक कंक्लूसिव सेंट्रल आर्गूमेंट या फिर एग्रीमेंट लेके आ पाना जो बहुत बार मुश्किल हो पाता है, तो दीज आर द 3 पॉसिबल एंड ईजिली रिमेंबरेबल पॉइंट्स ऑफ चैलेंजेस। सो ये चैलेंजेस थे कॉमन, जो कि इंडिया के लिए भी कुछ चैलेंजेस होंगे। हमारे यहाँ पर MSMEs जो हैं वो वीक हैं कंपेयर टू चाइना एंड जापान, जो कि अगर हमारे यहाँ ये स्ट्रांग नहीं हुए तो हम उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली वी विल मिस द बस ऑफ बेनिफिट दैट विल कम आउट ऑफ अस ज्वाइनिंग दिस RCEP। ट्रेड टैरिफ बैरियर, इंडिया जो है बहुत ही रेस्ट्रिक्ट कर रखा है उसने अपने मार्केट को, वो कभी भी अपने डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको बाहर की कंट्री के साथ या बाहर की इंडस्ट्री के साथ कभी भी ओपनली चैलेंज लेना नहीं चाहता है वो कर पाए, क्योंकि हमारे यहाँ सिंस जो लेबर लॉज हैं या एनवायरमेंट लॉज हैं दे आर ऑफनली फ्लाउटेड, हमारे यहाँ पे उतने स्ट्रिक्ट लॉज नहीं हैं, और इस कारण से वी नो दैट वी माइट नॉट स्टैंड द कॉम्पिटिशन विद द कंट्रीज हु आर मोर एडवांस्ड एंड वेयर मोर स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज आर ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड। सो इस केस में हमारे साथ उनकी जो 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 इनिक्वेशन जो है वो हमारे को बहुत लॉस करेगी, एंड दैट इज द रीजन वाई वी विल फेल, दैट इज दिस इज वट वी थिंक, एंड दिस इज ऑब्वियस देयर इज ऑब्वियसली सम ग्राउंड बिहाइंड इट। MSME हमारी वीक है,
we have to take some strong policy, tough policy decisions. Democracy ka part hai. It will be difficult domestically to come out with one central decision at times. और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं आरसीईपी में जो हमारे खुद की जो इंडस्ट्री है, जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है, हमारी कंट्री को, इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, सो उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है. सो इसमें भी कुछ ग्लोबल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि इंडिया बाद में फ्यूचर में जेनरिक मेडिसिन नहीं बना पाएगा, जो कि अफ्रीका में बेसिकली भेजा जाता है इन ऑर्डर टू क्योर द एड्स डिजीज़. आइए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब क्या, इतना कुछ हम समझे सुने, अब क्या नेक्स्ट, इसका पॉइंट क्या है, क्या हम क्यों पढ़ रहे हैं या क्यों इसके होने से हमें क्या फ़ायदा है. देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी तरह के ट्रेड जो अग्रीमेंट होते हैं उनके होने से रीजनल इंटीग्रेशन बढ़ता है, आपसी एनिमोसिटी जो है एक दूसरे की जो द्वेष की भावना है वो कम होती है, इकोनॉमिक लिंकेज जो होते हैं वो बढ़ते हैं, और आपस में एक टाइमलाइन के थ्रू अगर जाया जाए तो एक अगर समय के अंदर का हम इसे अगर पूरा कर लें बिना किसी डीले के, तो ऑब्वियसली ये सारे जो ऊपरी बेनिफिट्स हैं ये ऑन टाइम होंगे, और हमें जो आज की डेट में हम जो डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप करना चाहते हैं उसमें दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है टाइम और एक है हमारी जो पॉपुलेशन है डेमोग्राफी. तो इसमें से अगर टाइम निकल जाएगा, अगर हम डिले कर जाएंगे, तो वी माइट ऑल्सो मिस द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफी. सो ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें जो है ये टाइम पे कंप्लीट हों, तो हम ये रीजनल इंटीग्रेशन और इकोनॉमिक लिंकेज का फ़ायदा उठा पाएंगे. और इन सब डिसीजन को लेने के लिए हमारे पास लोकल लेवल पे, माने हमारी कंट्री के लेवल पे, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़रूरत है. वी होप दैट दिस लीडरशिप द इनकम्बेंट गवर्नमेंट माइट टेक और कम्स टू टेक care of the India's interest in this global grouping and ensures that it also takes a timely decision so that this process is not forestalled for some more time and it impacts our growth. This is it from this first video. If you have any doubt, please comment in the section below. And I'll try to personally get to all of those comments and questions and suggestions personally. And I would hope that your feedbacks will help me take care of the lacunas in this video. And I hope this video, although it is a bit longer, I'll try to squeeze them within 15 minutes or even lesser, will help you understand the concept. And if you find any problem, please write to me directly in the comment section. Thank you very much. Take care. Goodbye.